नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि रैयतीकरण पहले कराएं या फिर दाखिल खारिज पहले होता है। तो दोस्तों इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों अगर इस तरह की बात है, रैयतीकरण और दाखिल खारिज, ये दोनों सवाल जब मन में आता है और लोगों को कंफ्यूजन होने लगता है कि क्या करें, तो इसके लिए इस बात को आप समझिए सबसे पहले कि रैयतीकरण जो होता है वो आपके जमीन के दस्तावेज पर होता है। आपका जो जमीन का दस्तावेज है, जो कागजात है, उसका रैयतीकरण होगा। और जब उसका रैयतीकरण हो जाएगा उसके बाद की प्रक्रिया है दाखिल खारिज। तो दाखिल खारिज पहले ना हो करके पहले रैयतीकरण किया जाएगा और फिर उसी के मुताबिक आपका दाखिल खारिज भी होगा, ठीक है। क्योंकि दाखिल खारिज सेकेंडरी प्रोसेस है, पहले वो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें, पहले रैयतीकरण उसके बाद ही दाखिल खारिज संभव है, अन्यथा नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।